वेलकम टू एडजोस। एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कट ऑफ देखेंगे, जो कि मेंस के लिए आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस में कौन कौन से लोग जा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 की जो वैकेंसी थी उसके लिए जो सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स में, जो उसका कट ऑफ था, ऑफिशियल कट ऑफ है ये। ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर उपलब्ध है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ जो है वो क्या था, और उसी के हिसाब से जो इस बार का कट ऑफ है उसी के आसपास इर्द गिर्द रहेगा। यानी आप उसमें अगर 5 से 10 नंबर का डिफरेंस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकता। दोनों ही शिफ्ट के लिए यहाँ पर आपको देखना होगा। सबसे पहले बताना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और एक ही दिन ये 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन में होता है ज़्यादातर, उसमें नॉर्मलाइजेशन जो है अप्लाई नहीं किया जाता है। और इस बार जो क्वेश्चन था, दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग बराबर थे, दोनों ही तरह के जो शिफ्ट के क्वेश्चन थे दोनों में पैटर्न बिल्कुल सेम था। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आसान है, लेकिन वो उसी तरह से फिर दूसरे शिफ्ट में भी वैसे आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिला जुला करके देखा जाए दोनों शिफ्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का शिफ्ट था और किसी तरह की कोई परेशानी की बात इसमें नहीं थी। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या क्या हुआ, तो वो काम तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। जब भी कोई एजेंसी इस जांच का जिम्मा मिलता है सरकार की तरफ से, अगर इस पर कोई जांच बैठाई जाती है, जांच की टीम, तो वहाँ से पता लगेगा कि उस पर क्या असर पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर वाकई लीक हुआ है दोनों ही शिफ्ट का, तो फिर कट ऑफ पर ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ उसको मान करके चलते हैं कि वो अभी जांच नहीं हुई है, तो हम उसको 100% उस न्यूज़ को सही नहीं मान सकते। इसलिए उसको छोड़ करके हम लोग नॉर्मली बात करेंगे कि कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है। देखिए, 2017 वाले जो जनरल कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल की कट ऑफ थी वो 109.63, ये मार्क्स हैं, ठीक है। मार्क्स की बात हुई है यहाँ पर, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है, 200 में से 109 मार्क्स जो है वो पिछले साल जिस मेल कैंडिडेट को आया, जनरल कैंडिडेट के, उसका सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। और मेंस में फिर यहाँ पर मार्क्स अलग अलग हैं। तो अभी हम लोग मेंस के बारे में नहीं देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्री के बारे में देखेंगे कि प्री में कितने मार्क्स आपके पास आने चाहिए। तो यहाँ पर 109 था पिछले साल, आप इसमें 5 से 10 नंबर का अंतर लेकर के चलिए। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर आप मानिएगा, अगर 5 नंबर इसमें जोड़ते हैं तो 14 होता है, ठीक है, 114। तो आप इसको 115 से लेकर के 120 मान करके चलिए। 115 से 20 जिस कैंडिडेट का मार्क्स मेल कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर 115 से 120 आप मानिए। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर 63 था, इसमें भी आप 5 से 10 नंबर इसी तरह से बढ़ा लीजिए। तो जैसे यहाँ पर हमने 6 बढ़ाया था, इसी तरह से आप इसको 70 से 75 मान करके चलिए। 70 से 75 का मार्क्स जो है वो फीमेल के लिए हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मेल कैंडिडेट बीसी की बात करें, बीसी कैटेगरी में 103.6 मार्क्स था, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो इसको 109 से लेकर के 109 से लेकर के 115-17 तक आप इसको देखें, 115 तक आप मान लें, 109 से 115 के बीच का ये नंबर हो सकता है, ठीक है, 109 से लेकर के 115। इसके बाद फीमेल की बात करें अगर यहाँ पर, तो ये 60 था पिछली बार, जो कि इस बार क्या हो सकता है, इस बार ये जो कट ऑफ है यहाँ पर फीमेल के लिए 60 ना होकर के ये हो सकती है 63 या 65, ठीक है, 65 आप मानकर चलिए, 65 से लेकर के 68 तक ये आप इसको मानकर चले, ठीक है, 65 से 68। इसके बाद यहाँ पर मेल ईबीसी की बात करें, ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए जो 97.6 था इसको आप बढ़ा करके ले जाइए 102 के आसपास, 102 से 105 के आसपास जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है और जो कि ईबीसी कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी है यहाँ पर 60 मार्क्स था, इसको भी आप उसी तरह से 65 से लेकर के 68 के बीच मानकर चलिए, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो ईबीसी और बीसी दोनों लगभग सेम था पिछली बार। इस क्योंकि ये जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है 30%, वही यहाँ पर था। लेकिन इस बार भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, अगर कैंडिडेट इतने अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो ये जो है 30% वाला ही क्राइटेरिया यहाँ पर अवेलेबल रह सकता है, ठीक है, ये सेम भी रह सकता है। SC ST की बात करें तो SC ST में भी फीमेल उसी तरह से 60-60 है, आप इसको मान करके चलिए 65 से 68। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फिल नहीं हो पाता है तो यहाँ पर भी 60 पर ही, यानी 30% पर ही इनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मेल की बात कर लें तो मेल में ऐसा कुछ नहीं है, मेल में यहाँ पर 88 था पिछली बार, तो इसमें आप जो है सो
इसको 95 तक मान सकते हैं, 95 से लेकर के 100 के आसपास ये नंबर हो सकता है मेल के लिए SC में। और ये जो ST है इसमें 101 था, तो इसको भी आप 105 से लेकर 110 तक मान सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का हमने जैसे कि आपको बताया कि जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी कैटेगरी है BC, EBC और SC ST, इन सभी कैटेगरी में 60 पर भी सिलेक्शन हो सकता है अगर कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन इस फील्ड के अंदर यानी इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है 30% मार्क्स लाने का, उसी पर जो है वो फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन BC, EBC, SC और ST में हो सकता है। लेकिन अगर प्रदर्शन अच्छा रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स अगर बढ़े हैं फीमेल के, अगर प्रदर्शन अच्छा होगा, स्कोर अगर उनका थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तो फिर जो मार्क्स हमने बताया आपको कि 65 से 68, यहाँ पर भी 65 से 68, यहाँ भी हमने बताया आपको 65 से 68, तो इस तरह का फर्क देखने को मिल सकता है। कहीं 60 से 62 भी मिल सकता है, यहाँ पर 60 से 62 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कट ऑफ को लेकर के थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।